सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अशोक एडिटिंग। सो दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो के अंदर आपका भाई सिखाने वाला है फिर से कुछ इस टाइप का जन्माष्टमी स्पेशल फोटो एडिट। अगर आप लोग भी चाहते हो इस टाइप का फोटो एडिट करना सीखना, तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आप लोगों को अच्छे से इस फोटो का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी का कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ कि इस टाइप का फोटो एडिट आप अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हो। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यूजर आईडी आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी, तो जाइएगा फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर मैं अच्छे अच्छे पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, लेट गेट स्टार्ट। ओके सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद में आप लोगों को इस वाले बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। यहाँ पर जितना भी बैकग्राउंड और पीएनजी का मैं यूज करूँगा उसका सारा लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा, तो जाकर के इजी स्टेप में उसको डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों, बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद में आप लोगों को टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर साइज पर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है कि हमारा साइज 3000 है या नहीं। अगर आप लोगों का साइज 3000 है तो आप लोगों को रहने देना है, और उसके बाद यहाँ से रिसाइज कर लेना है। ये काम इसलिए कर लेते हैं कि हमारा जो फोटो है उसका क्वालिटी लो ना हो, इसलिए ये काम कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप सबसे पहले हम लोग करेंगे एक कृष्ण जी की पीएनजी को यहाँ पर ऐड। तो सबसे पहले आप लोगों को ऐड फोटो पर क्लिक करना है, और वहाँ से क्लिक करके आप लोगों को एक कृष्ण जी की पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लेना है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हो, कृष्ण जी की पीएनजी को ऐड करने के बाद में आप लोगों को इस तरीके से बड़ा कर लेना है, और आप लोगों को कॉर्नर की साइड पर इस तरीके से यहां पर एडजस्ट करना है, और यहां पर इरेजर वाले टूल्स पर क्लिक करना है, और इस वाले इरेजर पर क्लिक करके इसका जो हार्डनेस है उसको आप लोगों को कुछ 36 रख लेना है, एंड इसका साइज आप लोगों को बढ़ा देना है। और इस तरीके से आप लोगों को नीचे से इसका जो नीचे वाला पोर्सन है उसको आप लोगों को इस तरीके से रिमूव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, रिमूव करने के बाद में आप लोगों को ऊपर से डन कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करना है, और एक पीएनजी को आप लोगों को यहाँ पर और ऐड करना है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि इस बार मैंने इस वाली पीएनजी को ऐड किया है। तो सबसे पहले आप लोगों को बैकग्राउंड पर रखना है, और इस तरीके से ऊपर की साइड यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, और इस वाली पीएनजी पर क्लिक करके आप लोगों को इसको मूव डाउन कर देना है। तो यहाँ पर मैं मूव डाउन कर देता हूँ, और इसका जो बैकग्राउंड से आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर जो मर्ज हो चुका है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से ऊपर से डन कर लेते हैं। डन करने के बाद में दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अपने मॉडल्स को ऐड करेंगे। तो दोस्तों, मॉडल्स का बैकग्राउंड अगर आप लोगों को इरेज करना नहीं आता है तो ऊपर आई बटन में आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो बैकग्राउंड है उसका दोस्तों, मॉडल्स है उसको आप लोगों को कटआउट करना सीख जाओगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से कटआउट करके रखा है ताकि दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो है वो लंबा ना हो। तो यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करके हम लोग उस मॉडल्स की पीएनजी को यहाँ पर ऐड करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मॉडल्स की पीएनजी को ऐड करने के बाद में सबसे पहले आप लोगों को रोटेट पर क्लिक करना है, और यहां से आप लोगों को रोटेट कर लेना है, और इस तरीके से अपनी पीएनजी को यहां पर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, अब हम लोग करेंगे दो पीएनजी को ऐड। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक करके हम दो पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कि मैंने दो पीएनजी को ऐड किया है, जो कि एक कृष्ण जी का टेक्स्ट पीएनजी है और एक शैडो का पीएनजी है। तो सबसे पहले इस वाले कृष्ण जी पीएनजी को यहां पर ऐड कर लेना है, आप लोगों को इतने यहां पर एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, इस वाली शैडो की पीएनजी को आप लोगों को यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, एंड उसके बाद यहाँ पर मूव डाउन कर देना है, और इसको अच्छे से एडजस्ट करके इसका जो ओपेसिटी है उसको आप लोगों को 70% कर देना है, एंड डुप्लीकेट पर आप लोगों को क्लिक करना है, और यहाँ पर भी आप लोगों को इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को ऊपर से डन कर देना है। डन करने के बाद में हम लोग फिर से दो पीएनजी को यहां पर ऐड करेंगे। तो सिंपली ऐड फोटो पर क्लिक करके हम लोग दो पीएनजी को यहां पर ऐड कर लेते हैं। जैसा कि गाइस, आप लोग यहां पर देख सकते हो मैंने फिर से दो पीएनजी को यहां पर ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले इस वाली पीएनजी को हम लोग कर लेते हैं साइड में, एंड इस वाली पीएनजी को आप लोगों को पिक करना है, और पिक करने के बाद में इस तरीके से आप लोगों को यहां पर एडजस्ट करना है, थोड़ा इसको छोटा कर लेना है, और इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सिर पर एडजस्ट करना है। सो गाइस, एडजस्ट करने के बाद में आप लोगों को ऊपर से डन करना है। डन करने के बाद में आप लोगों को इस वाली पीएनजी को पिक करना है, और इसको भी आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहां पर एडजस्ट कर लेना है थोड़ा छोटा करके। उसके बाद गाइस, अब आप लोगों को ऊपर से कर देना है डन।
डन करने के बाद में दोस्तों अब हम लोग फिर से करेंगे दो पीएनजी को ऐड। तो सिंपली ऐड फोटो पर क्लिक करके उन दो पीएनजी को हम लोग ऐड कर लेते हैं। जैसा कि गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो कि इस बार भी मैंने दो पीएनजी को ऐड किया, एक जो कि तिलक पीएनजी है एंड एक जो फ्लूट पीएनजी है। तो सबसे पहले तिलक वाले पीएनजी को आप लोगों को पिक करना है और यहां पर आप लोगों को ब्लेंड पर क्लिक करके इसको मल्टीपल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इस वाले तिलक पीएनजी को इसके माथे पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर लेने के बाद में गाइस अब आप लोगों को इस फ्लूट वाली पीएनजी को पिक करना है, जो कि दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो। इसको भी आप लोगों को पिक करने के बाद में इसके हैंड पर अच्छे से यहां पर मर्ज कर लेना है। एडजस्ट कर लेने के बाद में गाइस आप लोगों को ऊपर से डन कर देना है एंड लेफ्ट साइड से भी डन कर देना है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो हमारा बिफोर आफ्टर फोटो यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस हम यहां पर करेंगे कलर को एडजस्ट। एडजस्ट करने के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहां पर टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर एडजस्ट पर क्लिक करके आप लोगों को इसका जो ब्राइटनेस है उसको हल्का सा कम कर देना है एंड कंट्रास्ट पर क्लिक करके कंट्रास्ट को आप लोगों को 20% रख देना है। क्लियरिटी पर क्लिक करके इसको आप लोगों को 10% रख देना है एंड सैचुरेशन पर क्लिक करके सैचुरेशन को आप लोगों को 70% रख लेना है। उसके बाद दोस्तों हाईलाइट पर क्लिक करना, हाईलाइट को आप लोगों को बढ़ा देना है 25 एंड यहाँ पर शेडो पर क्लिक करना, शेडो को हल्का सा आप लोगों को माइनस की ओर रख लेना है और टेम्प्ट पर क्लिक करके टेम्प्ट को भी आप लोगों को यहाँ पर बढ़ा देना है कुछ 35 या 34। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ऊपर से डन कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फोटो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग जन्माष्टमी फोटो एडिट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया हो। चलिए गाइस मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।